नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आप अपने मोबाइल से इस तरीका से तृतीय सोमवार के हार्दिक शुभकामनाएं का पोस्टर एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी आप होम स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर आप अपना इमेज लगा सकते हैं, नीचे आप अपना नेम लिख सकते हैं और इस साइड में आप अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का पोस्टर बनाने के लिए मैं इस वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बताया। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इस तरीका से तृतीय सोमवार का पोस्टर एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको दो जगह पासवर्ड मिलेगा, जिस पासवर्ड की मदद से आप इस PLP फाइल को अनजिप कर सकते हैं, यानी कि पोस्टर के बैकग्राउंड को अनजिप कर सकते हैं। तो इसका बैकग्राउंड में आपको मैं फ्री में दे दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा एडिटिंग भी ना करना पड़े। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पर जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको जानकारी सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद पिक्चर एडिटर एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन कर लेना। जैसे ही ओपन करते कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको न्यू टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए यहाँ डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना। अब आपको सबसे पहले सिंपली इस वाले आइकन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसे पीछे की तरफ स्क्रॉल कर देना। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। जैसे ही फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करते ये आपकी गैलरी में चले जाएगा। गैलरी में जाने के बाद आपको इस तरीका से इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना। इस तरह का बैकग्राउंड आपके पास आएगा कैसे, इसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप जाकर के वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको जो दो स्टेप में पासवर्ड मिलेगा, उस पासवर्ड की मदद से आप इसे अनजिप कर सकते हैं। अब आपको यहाँ सही टिक पर क्लिक कर देना, और जैसे ही सही टिक पर क्लिक करते कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता। अब आपको यहाँ पर अपना इमेज लगाना। इमेज लगाने के लिए आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। जैसे फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करते ये आपके गैलरी में लेकर के चले जाएगा। गैलरी में जाने के बाद आपको इस तरीका से एक इमेज सेलेक्ट कर लेना। दोस्तों, किसी भी इमेज का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना, यानी PNG कैसे बनाना, इसके लिए मैं पहले से ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया। आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से इस तरीका से आप अपना इमेज जो है दोस्तों बना सकते हैं। अब आपको सिंपली इस इमेज को पहले यहाँ से क्रॉप कर लेना। तो चलिए इसे क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको सही टिक पर क्लिक कर देना। जैसे ही सही टिक पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको इस इमेज को जो दोस्तों यहाँ से आपको इस तरीका से घुमा लेना, उसके बाद सही टिक पर क्लिक करना। अब आपको इस इमेज को यहाँ पर सही तरीका से एडजस्ट कर लेना है। तो चलिए इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा करने के बाद यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं, इस इमेज को हम एडजस्ट कर चुके हैं। तो इस तरीका से एडजस्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। नेम लिखने के लिए ए वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, और उसके बाद टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। जैसे ही टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते यहाँ न्यू टेक्स्ट आ जाता। अब आपको इसे ड्रैग करके यहाँ पर ले आना। यहाँ लाने के बाद आपको यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना। एडिट पर जैसे ही क्लिक करते यहाँ बैक स्पेस से इसे रिमूव कर देना, और रिमूव करने के बाद आपको यहाँ पर अपना नेम लिख लेना है। तो जैसा कि यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, हम अपना नेम लिख चुके हैं। नेम लिखने के बाद अब आपको यहाँ ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ओके पर क्लिक करते आपको पीछे की तरफ स्क्रॉल करना, और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर का ऑप्शन आ चुका। आपको कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, व्हाइट सेलेक्ट कर लिया। अब आपको सही टिक कर देना है। उसके बाद इसे फिर से पीछे की तरफ स्क्रॉल करना, और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं फ्रंट का ऑप्शन आ चुका। आपको फ्रंट पर क्लिक करना है। उसके बाद मैं फ्रंट में चले जाना, और एक अच्छा सा आपको फ्रंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से ओके पर क्लिक कर देना है। चलिए इस नेम को हम सही तरीका से यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एडजस्ट हो चुका। अब आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखने के लिए फिर इस नेम पर क्लिक करना है। उसके बाद कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, और ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आना है। उसके बाद फिर से एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, और इसे यहाँ से रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर यहाँ आप लिख देंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको फिर से यहाँ ओके पर क्लिक कर देना। जैसे ओके पर क्लिक करते कुछ इस तरीका से इंटरफेस आ जाता। अब आपको यहाँ पर सही तरीका से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद अब इस इमेज को आपको गैलरी में सेव करने के लिए सिंपली यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। एक्सपोर्ट इमेज पर क्लिक कर देना। जैसे एक्सपोर्ट इमेज पर क्लिक करते हैं, इमेज फॉर्मेट को आपको PNG रहने देना, और क्वालिटी में यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करके अल्ट्रा कर देना है। जैसे अल्ट्रा करते उसके बाद आपको सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना। जैसे ही सेव टू गैलरी पर क्लिक करते ये इमेज आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो इस तरीका से आप अपना पोस्टर एडिटिंग कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जो दो स्टेप में पासवर्ड लगा हुआ था, वो पासवर्ड भी आपको मिल चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके बताएं, ताकि मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।